हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। डियर व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कोबरा टैबलेट के बारे में होगी कि ये टैबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है, कौन कौन लोग और किन किन उम्र में ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जानेंगे कोबरा टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं इस टैबलेट की कंपोजिशन, यानी इस टैबलेट का फार्मूला क्या है। सेलडेना स्टेरॉइड्स इस टैबलेट के कंपोजिशन है और इस टैबलेट का जेनरिक काम मेल के सेक्सुअल हार्मोन्स पर काम करता है। फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं तफसील से कोबरा टैबलेट के बेनिफिट्स। मेल सेक्सुअल फंक्शन, यानी मर्दों के जो सेक्सुअल फंक्शन में अगर प्रॉब्लम हो और वो अपने साथी से सेक्स करने से शर्मिंदगी महसूस करते हों, उनके लिए ये टैबलेट मुअस्सर हैं। इसके अलावा रेक्टल डिसफंक्शन के लिए मुफीद हैं। रेक्टल डिसफंक्शन उसे कहते हैं अगर मर्द हजरात में उसका अनजा तनासल स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा, यानी अनजा तनासल सीधा नहीं हो पा रहा, तो कोबरा टैबलेट इस्तेमाल करने से अनजा तनासल में वो पावर आ जाएगी जिससे मर्द हजरात का अनजा तनासल स्ट्रिक हो जाएगा, और इसके लिए कोबरा टैबलेट मुफीद है। इसके बाद सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए मुफीद है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन क्या होती है, ये जिंसी वहशात को कहते हैं और ये टैबलेट जिंसी वहशात को बढ़ा देती है और आपकी हेल्प करता है सेक्स करने में। इसके अलावा इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी पेनिस, यानी अगर आप कोबरा टैबलेट खाते हैं ये आप के अनजा तनासल की तरफ जो खून बहता है वो बढ़ा देता है और आपके सेक्स में जितनी जिंसी वहशात है आपको उसका मज़ा आता है और ये ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव उस तरफ ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत बेहतर है आपकी सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। डियर व्यूअर्स, आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये टैबलेट उन मर्द हजरात के लिए हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो और ये टैबलेट यंग जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कोबरा टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि इस टैबलेट को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, फ्लेशिंग ऑफ दी फेस, यानी आपका चेहरा लाल हो जाएगा और सुर्ख नज़र आ जाएगा। इसके बाद ब्लर विजन, यानी आपको हर चीज़ धुंधला नज़र आएगा। इसके अलावा लाइट्स बिकम ब्लू, इसका मतलब यह है कि अगर आप लाइट की तरफ देखेंगे तो आपको वो ब्लू नज़र आएगा। सर में दर्द हो सकता है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। मतली और उल्टी हो सकती है, मैदे में जलन महसूस हो सकती है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, और अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ कि किन किन लोगों को ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिल के मरीज़ ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें और गुर्दों की बीमारी वाले मरीज़ ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और अब आते हैं इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना है। एक टैबलेट सेक्स करने से पहले एक घंटा पहले इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके यूजेस, और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें, और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।